किस स्टेज तक हम अपने आप को ले आए हैं। अल्लाह की नज़रों से गिरने की वजह क्या है? आपस में गाली गलौज करना। तो गाली गलौज चल रही है कि नहीं चल रही? लड़ाइयों में कितनी ऊंची ऊंची आवाज़ से गालियाँ दी जाती हैं, घरों में कैसे माएँ अपनी बेटियों को गालियाँ देती हैं, बेटियाँ अपनी माओं को गालियाँ देती हैं, भाई अपनी बहनों को देते हैं, बहनें अपने भाइयों को देते हैं, शौहर अपनी बीवी को देते हैं, कितनी गंदी गंदी गालियाँ देते हैं शौहर अपनी बीवियों को, और बीवियाँ भी रिटर्न में क्या ज़बरदस्त तोहफे देती हैं उनको। तो जब इंसान अल्लाह की निगाह से गिर जाए तो कितना बेसहारा हो गया, कितना अकेला हो गया ये शख्स। अब तो अल्लाह इसे ढील देगा, ये दुनिया की चाहत करता है ना, तो अल्लाह तो अब इसे ऐसी दुनिया देगा कि इसकी अब वाह वाह होने वाली है, इस पर दौलतों की बारिशें होने वाली है, इसके पास एक गाड़ी थी अब 2, 3, 4, 5, 10 आने वाली हैं, इसके पास एक कनाल का घर था अब 10 कनाल का घर आने वाला है। दुनिया की खातिर इसने अल्लाह को भुला दिया था, अल्लाह के अहकामात को तोड़ दिया था, तो अल्लाह ने ऐसे शख्स को ढील दे दी, और ये ढील बहुत खतरनाक है। अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह ताला इस ढील से सबको बचाए। जब अल्लाह ताला ढील देते हैं ना कि बस ठीक है नहीं समझता तो जा, तो ये जब अल्लाह ताला एक इंसान को ढील दे दे, जैसे कि नॉन मुस्लिम्स को ढील दी हुई है अल्लाह ताला ने, तो फिर तो उसके पास दुनिया तो आती है, और वो ये समझता है कि अल्लाह मुझसे खुश है तो मुझे दे रहे हैं। कि जब तुम लोग चूहा पकड़ते हो तो वो जो चूहा पकड़ने के लिए वो क्या होती है, उसमें जो चूहे के लिए खाना रखते हो वो किस लिए रखते हो? चूहे की मेहमान नवाजी के लिए रखते हो। चूहे को खाना क्यों देते हो? क्योंकि तुम लोग जानते हो कि जब ये खाएगा तो आके चूहा इसकी वजह से हलाक हो जाएगा। तो अल्लाह ताला भी फिर बाज़ औक़ात ऐसी ढील देते हैं कि दौलतों की अंबार लगवा देते हैं, जायदादों की अंबार लगवा देते हैं, लेकिन आखिर में मकसद क्या होता है अल्लाह का? उसको पकड़ना, उसको जकड़ना कि तू मेरे हुक्मों से गाफिल था और इन चीजों की वजह से गाफिल था, ले फिर और ले और ले और मजीद गाफिल हो जा। तो मेरे भाइयों और बहनों, के अल्लाह की ढील से डरें। अगर आपके दिल में अभी भी कोई थोड़ा सा अल्लाह का डर, आपको बातें समझ में आ रही हैं, तो इट्स मीन कि आपके दिल में ईमान है, अल्लाह ने आपको ढील नहीं दी। फौरन से अल्लाह के पास आए, अल्लाह के आगे सजदा करें, अल्लाह के आगे रोएं, बच्चे बन जाएं, गिड़गिड़ाएं, ना उठें, घंटे बैठे रहें। खुदा की कसम, जब एक लड़का लड़की से नाराज होता है तो वो लड़की रात भर उसकी मिन्नतें करती है, प्लीज 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 प्लीज, अल्लाह नाराज है, अल्लाह को कोई प्लीज नहीं बोल रहा, बस बॉयफ्रेंड राजी हो जाए, गर्लफ्रेंड राजी हो जाए। अल्लाह गफूर रहीम है, वो बख्श देगा, वो ठीक है, वो रब है। हाय अल्लाह, हदीस दोबारा से सुन ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब मेरी उम्मत दुनिया को बड़ी चीज समझने लगेगी तो इस्लाम की हैबत और वक़्त इनके दिलों से निकल जाएगी, ठीक है, और जब अमर बिल मारूफ यानी लोगों को नेकी की तरफ बुलाना और नहीं अनिल मुनकर लोगों को बुराइयों से बचाना छोड़ देगी, इस काम को छोड़ देगी, तो ये वही की बरकत से महरूम हो जाएगी, और जब आपस में गाली गलौज इख्तियार करेगी तो अल्लाह जल्ला शानहू की निगाह से गिर जाएगी। और आज अल्लाह की निगाह से भी हम गिरे हैं, वही की बरकत से भी हम महरूम हैं, और दुनिया को बड़ी चीज़ समझकर इस्लाम की वैल्यू हमारे दिलों से निकल गई है, और हम ये समझते हैं कि हम ये कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो शख्स आखिरत की खेती का तालिब हो, यानी जिसकी ये नीड हो कि मेरी आखिरत सवर जाए, तो फरमाते हैं कि हम उनकी मदद करेंगे, हम उसको तरक्की देंगे आखिरत में, आखिरत के रिवॉर्ड्स को बढ़ाने में। और जो शख्स दुनिया का तालिब हो, जिसे दुनिया चाहिए, तो अल्लाह फरमाते हैं हम इसको कुछ ना कुछ दे देंगे, और आखिरत में फिर इसका कुछ हिस्सा नहीं है। कि जो मुसलमान आखिरत को यानी आखिरत ही को अपना मिशन बना लेता है कि मैंने यहाँ से मरना है, मेरी कोशिशें आखिरत संवारने के लिए हो, मेरी दुआएं अल्लाह से अपनी आखिरत बनाने के लिए हो, तो फरमाया कि जो शख्स ऐसे करता है तो अल्लाह ताला इसके दिल को गनी कर देते हैं, हर दुख परेशानी से इसको दूर कर देते हैं, इसके दिल में एक सुकून डाल देते हैं, गनी कर देते हैं, ये अमीर कर देते हैं इसके दिल को। और दिल का अमीर हो जाना ये अमीरी है, माल का मिल जाना अमीरी नहीं है। और जो शख्स दुनिया को अपना नस्बुल आयन करार देता है, यानी जो दुनिया में ही अपनी मेहनतें और बस दुनिया ही को मकसद और दुनिया की ऐशो इशरत और दुनिया की नाफरमानियां ये सारी चीजें अपना मिशन बना लेता है, तो फिर क्या होता है? अल्लाह ताला इसको परेशानियों में मुबतला कर देता है।